असलम डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिस प्रोग्राम का नाम है ईजस डेटा रिकवरी इस, इस प्रोग्राम की मदद से आप अपनी डिलीटेड पिक्चर्स को वीडियोस को फाइल्स को इवन के आपकी अगर हार्ड ड्राइव सडनली फॉर्मेट हो जाए तो वो भी आप इसी प्रोग्राम की मदद से रिकवर कर सकते हैं तो आपने क्या करना होगा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आपने क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा आपने डाउनलोड का बटन दबाना है और फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी जब आप फ़ाइल को डाउनलोड कर लें उसके बाद आपने क्या करना है ये बेसिकली ज़िप फ़ाइल है ज़िप फाइल पर आपने राइट क्लिक करके इसको अनजिप कर लेना है जब आप इसको अनज़िप कर लें तो आपने कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपने इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको मैं वन बाय वन गाइड कर देता हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है जो आपके विंडोज़ का एंटी वायरस है आपने उस मेन्यू को ओपन करना है एंटी वायरस को उसके बाद आपने क्या करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर जाना है उसके बाद अब आप देख सकते हैं मैनेज सेटिंग पर आपने क्लिक कर देना है उसके बाद ये देख सकते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन आपने इसको ऑफ़ कर देना है ये स्टेप वन है उसके बाद आपने क्या करना है इंटरनेट का जो कनेक्शन है आपने उसको भी डिसकनेक्ट कर देना है ये दो चीज़ें कर लें उसके बाद ये आपके सामने जिप फाइल है आप इसी फाइल पर राइट right क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट कर लें जब प्रोग्राम को आप एक्सट्रैक्ट कर लें उसके बाद आप अब आप इस प्रोग्राम फोल्डर को ओपन कर लें और इसी प्रोग्राम का आपने सेटअप चला देना है ओके का बटन दबाएं, नेक्स्ट करें आई एक्सेप्ट कंफर्म, ठीक है जी अब क्रिएट डेस्कटॉप तो आइकॉन आप इसको सिलेक्ट करने दें अगर आप इसके कोई लॉन्च बार में भी शॉर्टकट बनाना चाहें तो इस ऑप्शन को भी टिक मार कर दें इंस्टॉल का बटन दबाएं, अभी प्रोग्राम आपका इंस्टॉल हो रहा है अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपका इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद आपने इस प्रोग्राम को रन नहीं करना आपने इस दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर देना है उसके बाद आप फिनिश का बटन दबा दें ये स्टेप वन आपका कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट आपने क्या करना है आपने इसके अंदर ये टी एस आर एच एम ई डी का एक फ़ोल्डर है आप इस फोल्डर को ओपन कर लें हैं ब्लॉग इन होस्ट प्लस फॉर ऑल डॉट सी एम डी आप इस फाइल पर राइट क्लिक करें कॉपी का बटन दबा दें डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बन चुका है ईजस्ट डेटा रिकवरी विज़र्ट अब इसी आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर चले जाएं ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें अभी देख सकते हैं इंस्टॉल डायरेक्टरी का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है अभी आप यहाँ पर राइट right क्लिक करें पेस्ट का बटन दबा दें कंटिन्यू करें और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं ब्लॉग इन होस्ट इसी फाइल पर आप राइट right क्लिक कर लें और उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर दें जी यस yes का बटन दबाएं अभी आप देख सकते हैं सक्सेसफुल एंट्री एडिड ये हो चुका उसके बाद अभी आप क्या करेंगे इन प्रोफाइल्स को ऑप्शंस को बंद कर दें नेक्स्ट आपने क्या करना है की जनरेटर की फ़ाइल को आपने रन करना है तो आपने इसी फाइल पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर दें उसके बाद आप यस का बटन दबा दें नेक्स्ट अभी आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है एक्टिवेट की तो आपने इस बटन को दबा देना है तो अभी आपने सी ड्राइव पर क्लिक करना है प्रोग्राम फाइल्स पर डबल क्लिक कर लें नेक्स्ट ईजस के फ़ोल्डर को डबल क्लिक करें उसके बाद अभी आपने मज़ीद डबल क्लिक नहीं करना ये पॉइंट आपने जहन में रखना है आपने इसी फोल्डर को जस्ट वन क्लिक करना है उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर का बटन दबा दें और अभी आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड का मैसेज आपको शो कर रहा है दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम एक्टिवेट हो चुका है अब अभी हम इस फोल्डर को बंद कर देते हैं उसके बाद अब आप ये ईजस प्रोग्राम को रन करें यस का बटन दबा दें अभी आप देख सकते हैं अब आपको मालूम होना चाहिए जो भी फाइल पिक्चर वीडियो कोई भी है फ़ाइल आपकी जहाँ से भी डिलीट हुई है आपको ये मेक श्योर sure होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कौन सी ड्राइव है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गेम्स वाली ड्राइव में से कोई डेटा या कोई फ़ाइल डिलीट हुई है आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और स्कैन का बटन दबा देंगे और ये रिकवर होना शुरू हो जाएगा जी मैं आपको चेक करवाने के लिए भी ऑप्शन इनको स्टॉप कर दिया है इसमें आप देख सकते हैं डिलीटेड फ़ाइल्स की ये अलग से ऑप्शन शो कर रहा है लॉस्ट फाइल्स अगर आपकी हैं वो भी आपको शो कर रहा है एग्जिस्टिंग फाइल्स का मतलब है कि जो फाइल ऑलरेडी आपकी सिस्टम में पड़ी हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल आपका मिसप्लेस हुआ है आप उस फोल्डर को क्लिक करें और रिकवर का बटन दबाएं और एक और चीज़ आपने मेक मेकश्योर sure करनी है जिस जगह से आप डेटा रिकवर कर रहे हैं तो आपने उस डेटे को सेम डेस्टिनेशन में नहीं रखना दैट मीन्स कि आपका अगर सोर्स है जिस ड्राइव से आप डेटा रिकवर कर रहे हैं वापस उसी फोल्डर में आपने फौरी सेव नहीं करना आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगा लें या आपके पास कोई अदर ड्राइव पार्टीशन है तो आप उस पार्टीशन में भी उस डेटे को सेव कर लें सेव करने के बाद ये भी मेक मेकश्योर sure कर लें कि वो डाटा वर्किंग में है या नहीं है ये तो भी एक स्टेप हो गया अभी हम वापस चलते हैं जी इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं स्पेसिफाई आ लोकेशन फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक जगह से भी अगर आपका डाटा डिलीट हो गया है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके डेस्कटॉप से अगर डिलीट हुआ तो यहाँ पर क्लिक करें स्कैन का बटन दबाएँ स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और उसमें से भी डेटा निकाल सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने डेटा डिलीट कर दिया और रिसाइकिल को भी एम्प्टी कर दिया है तो आप ये रिसाइकिल बिन की ऑप्शन पर भी क्लिक करके स्कैन का बटन दबा दें तो यहाँ से भी वो रिकवर कर सकता है अगर आपके नॉलेज में है कि आपने कुछ स्पेसिफिक फ़ोल्डर से ही आपने डेटा ड्रेप करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद उसको आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन जहाँ से आपको मालूम है कि ये फोल्डर इस डायरेक्टरी से मिसप्लेस हुआ है तो आप ब्राउज़ करके उस डायरेक्टरी पर क्लिक करें और ओके okay का बटन दबा दें तो यहाँ से भी आप रिकवर कर सकते हैं और ये तो मज़ीद ऑप्शनस आ गई इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी अदर हार्ड ड्राइव या कोई पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगाई है और वो शो नहीं हो रही इस लिस्ट में तो आपने क्या करना है कांट फाइंड लोकेशन पर आपने क्लिक कर देना है उसके बाद अभी यहाँ पर आपको जो भी ड्र वगैरह आपके सामने यहाँ पर कनेक्टेड होंगी वो आप देख सकते हैं उनके ऊपर किसी भी ड्राइव पर आपने रिकवर करना है तो आपने जस्ट स्कैन का बटन दबाना है तो वहाँ से भी आप रिकवर कर सकते हैं और इसके अलावा इस प्रोग्राम की मदद से आप यू से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके